जॉब के रूप में हो सकता है, सम्मान किसी राजनेता के रूप में हो सकता है, सम्मान किसी पिता के रूप में हो सकता है, सम्मान किसी भाई बहन माता पिता या एक खिलाड़ी के रूप में पा सकता है। बात सम्मान की है तो उस खिलाड़ी की मैं कहना चाहता हूँ, वो सम्मान की बात करना चाहता हूँ कि खिलाड़ी एक दिन के लिए खेल में ना आए, यदि वो सच में सम्मान पाता है तो पूरा जीवन इस खेल को देने की जरूरत होनी चाहिए। खेल त्योहार के लिए नहीं होना चाहिए, मैंने मेरा एक दिन कार्यक्रम करने के लिए कबड्डी का खेल नहीं है। यदि आप चाहो तो क्या एजुकेशन क्या पी एच डी क्या एम टेक और क्या बी टेक, आप चाहो तो इससे भी इतिहास बनाकर आप एक इंटर लेवल पे अपना नाम कमा सकते हो और इस खेल को पूरा कर नाम रोशन कर सकते हो। इस कबड्डी के लिए जितने भी नेता और जितने भी पार्टी के लोग यदि आए तो इस नवयुवक समिति से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक दिन के लिए पैसे या एक दिन के लिए सुख सुविधा की बात न करके इस एरवा टोला में एक कबड्डी का एक ग्राउंड परमानेंट साल भर चलता रहे ऐसा डिमांड करिए। समाज में एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ी के लिए 20,000 रुपए और कार्यक्रम के लिए 20,000 रुपए मांगने से इस समाज का और इस नवयुवक का कभी के लिए मान सम्मान के लिए हमारे गांव की शान बनने के लायक और साल भर में कंटिन्यू प्रैक्टिस चल कर समाज और देश का नाम रोशन कर सके ऐसा एटमॉस्फियर ऐसा समाज में स्ट्रक्चर की जरूरत है। शिक्षा एक दिन पढ़कर हमारे पास में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। यदि हम भी साल में एक बार ट्यूशन जाते हैं और साल में एक बार स्कूल जाते और सोचते कि एक बार डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो समाज में स्कूल की जरूरत नहीं रहती। मैं मेरा तक अपने सीमित सही है, पर यदि वॉलीबॉल की बात करो, बात क्रिकेट की करो, बात कबड्डी की करो और खो खो की करो तो समाज में इसको त्यौहार के रूप में मत बनाइए। यदि त्यौहार के रूप में बना रहे तो आप एक दिन के लिए ठीक है, पर यदि सच में इसको आप जीवन और समर्पित और सम्मान और देश और सम्मान के हित में अपने बच्चों के भविष्य के रूप में करना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर परमानेंट न कि समय बाद में हर अपने व्यक्ति घर में जाकर सो जाएंगे और उसके बाद में अगले साल मनाई बात फिर कबड्डी खेलने आओगे। ऐसा क्यों आज में कबड्डी खेलकर इतिहास क्यों नहीं बना सकता? गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति जो 10वीं से स्कूल छोड़ दिया है, जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है, जिनके पास में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं था, वो रात में ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करके कबड्डी में नाम रोशन क्यों नहीं कर सकता? समाज के अंदर में बहुत सारी पार्टी आई और जाएगी, बहुत सारे नेता आएंगे और जाएंगे, पर समाज के अंदर में आप भी जियोगे और मरोगे। पर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाते हो कि एक दिन के लिए ये सब कुछ आप बनाते हो? इसे साल भर क्यों नहीं चलता? नहीं चले तो कम से कम 6 महीने क्यों नहीं चल सकता? आज ठंडी से स्टार्ट हुआ तो 6 महीने तक ये ग्राउंड ऐसा एडिटिस बन के आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, क्यों किसी नेताओं की डिमांड की जरूरत है? आपको क्यों किसी नेताओं से 20,000 मांगने की जरूरत है? 20,000 लोग 20,000 20 बंदे नव समिति के अंदर में 1,000-1,000 रुपए जमा करके और गांव के 20 लोग मिलकर एक डेकोरेशन के लिए, एक एम्पायर के लिए, एक टी शर्ट के लिए और छोटा सा लाइट के लिए 20-30,000 का खर्चा आएगा और आप सब मिलकर 6 महीना स्ट्रक्चर रोज 2 घंटा क्यों नहीं चला सकते? ये तो सिर्फ समाज में नहीं, हर क्षेत्र के कटंगी हो या हमारा सुनिया विधानसभा, हर जगह पे राजनीति के समय में हर नेता ने राजनीति करने आ जाएंगे। पर आपको सही में यदि बात विकास की हो, बात स्पोर्ट्स की हो तो उस लेवल पे कोई आकर नहीं बताएगा। आकर 10,000 देना सबसे इजी काम है, पर इसी को 2 महीने तक कंटिन्यू खेल को साबित खड़े रखना और आपके साथ खड़े रहना वो सही में नेता हो सकता है। और इस क्षेत्र में कोई नेता है तो मेरी नजर में प्रकाश बीके जी साहब हैं, जिन्होंने ये इस पूरे क्षेत्र को नहीं पूरे मध्य प्रदेश को इलाके रख दिया। और यदि राजनीति की बात करो तो आने वाले टाइम में प्रकाश बीके जैसे व्यक्ति को विधायक और सांसद बनना चाहिए, क्योंकि पैसे वाली की राजनीति को गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता बराबरी। और जिस दिन पैसे की राजनीति चलेगी तो मैं ये लिख कर देता हूँ, हमारा हर बार आने वाले 1,000 साल तक इस गांव से क्या आने वाले किसी भी गांव से विधायक और सांसद नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी औकात मेरी औकात और प्रकाश बीके जैसे और भारत चौरागढ़े जैसे की औकात नहीं है कि 1 करोड़ 5 करोड़ खर्च करें आने वाले 10 साल की लग जाएगी।
परिवर्तन करने की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए हौसले और बल की जरूरत है। गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति कबड्डी खेल सकता है, भाला फेंक सकता है, खो खो खेल सकता है और पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्ता।